प्यारे बच्चों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है एमएस एजुकेट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर हमने अध्ययन कर लिया था प्रिमेय संख्याओं के बारे में जानकारी, संख्याओं की सामान्य जानकारी हमने अध्ययन कर ली थी। अब हम इसी से संबंधित एक टॉपिक इसमें लेते हैं। पहले इसे रिपीट कर लेते हैं कि प्रिमेय संख्याओं में हमने क्या पढ़ा था। प्रिमेय संख्याओं की हमने परिभाषा पढ़ी थी। नंबर एक क्या थी कि वे संख्याएं जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए, वो संख्याएं क्या कहलाएगी, प्रिमेय संख्या कहलाएगी। यहां हम ये देखते हैं कि जब हम उदाहरण भी देखे थे, जीरो भी प्रिमेय संख्या है, 1, 2, 3, 4 माइनस वाली यानी पूर्णांक जितने भी है वो भी प्रिमेय संख्या थे, -5, -2, -1 और बटे वाली संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी इसने हमने साबित की थी। ठीक है, अब हम उसी में टॉपिक में आगे ले लेते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब जी ये प्रिमेय संख्या है, इसको मैंने लिख दिया पी बटा क्यू के रूप में, पी का मान यहां कितना माना जाएगा, पी 3 है और क्यू का मान कितना है, 4। तो जैसे हम भिन्न में देखते हैं कि अंश और हर बढ़ते हैं, ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाली को हर, तो इसमें भी ये कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 3/4 है, तो इसको मैंने प्रिमेय संख्या में पी बटा क्यू कहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसमें 3 क्या है, अंश है और 4 क्या है, हर। 4 क्या है, हर। तो ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक के अंदर एक ये ध्यान रखने वाली बात ये आती है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या, छोटी बड़ी संख्याओं की तुलना हम कैसे कर सकते हैं, यानी कौन सी संख्या छोटी है या कौन सी बड़ी है। जैसे मान लीजिए मैंने पूर्णांकों के अंदर या प्राकृत संख्या विनियोग में बताया था कि 5 और 4, अब हम ये देखकर बता सकते हैं कि ये 5 बड़ा है 4 छोटा है, ये था। अगर इसमें ऋणात्मक रूप में लिख दिया जाए -5 और -4, तो हमने कहा था कि जो संख्या बड़ी होती है उसका ऋणात्मक मान छोटा होता है, तो यहां -5 क्या होगा, छोटा होगा, जबकि -4 क्या होगा, बड़ा होगा, ये हो गया। अब इसी सवाल के अंदर यदि ये ऋणात्मक भी न हो और ये आ जाए 5/3 और 4/2, अब हम इसको देखकर कैसे तुलना करें भी कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो ये टॉपिक हम अब करेंगे कि कैसे हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो अपने ये देखो कि जो ये यहां तक जो संख्याएं हैं, ये हमने क्या था, अपना पूर्णांक था, यहां तक हम छोटी बड़ी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं, हमने पहले सीख लिया है। अब बात करेंगे यहां इन टॉपिक के, इन उदाहरणों के, तो यहां ये बटे वाले हैं सारे के सारे, तो यहां अपने पास 3 तरह के बन रहे हैं ऑप्शन, कौन कौन से, नंबर एक जब अंश समान हो वह हर असमान, एक ही कंडीशन बनेगी। दूसरी जब अंश असमान वह हर समान हो, दूसरी ये कंडीशन बनेगी। तीसरी अंश वह हर दोनों असमान, मैं एक उदाहरण लिख देता हूं, अंश समान हर असमान हो, 3/4 3/7, ऊपर वाली संख्या दोनों में सेम है नीचे वाली अलग है, 4/3 7/3, हर दोनों में समान है अंश दोनों में अलग अलग है, इसमें दोनों ही अलग है, 4/3 7/5, सारी अलग अलग होगी। तो हमें इन तीनों के उदाहरणों के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। ठीक है, और यदि मान लो भाई में ऋणात्मक आ जाए, तो वहां तो हमें पता ही है कि ऋणात्मक में जो संख्या बड़ी होती है वो ऋणात्मक रूप में छोटी होगी, वो तो हम वैसे ही याद कर लें। तो यहां देखो क्या है, तो पहले हम बात करें नंबर एक की, इसमें कैसे पहचान करें कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जब एक नंबर की कंडीशन हमारे पास मिले, जैसे मैंने ये संख्या यहां लिख देता हूं 3/4 और 3/7, तो आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों अंश समान है, ऊपर वाली संख्या समान है, जबकि हर अलग अलग है, तो हमें ये ध्यान है
कि जब हम किसी भी संख्या में यदि छोटा भाग लगाएंगे तो मान बड़ा प्राप्त होगा, और बड़ा भाग लगाएंगे तो मान छोटा प्राप्त होता है ना। जैसे मान लीजिए 20 में मैं 10 का भाग लगाऊं तो मान हमें प्राप्त हो रहा है 2 बड़ा, और यही 20 में यदि मैं 5 का भाग लगाऊं तो 5 चौके 20 क्या प्राप्त हो रहा है। यानी जब नीचे वाली संख्या बड़ी, यानी जब किस स्थिति में दोनों ऊपर वाली समान हो, बड़ी तो मान छोटा, नीचे वाली संख्या छोटी तो मान बड़ा, तो अपना उत्तर मिल गया। यहां हम ये देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या यदि बड़ी है तो मान, इसका मतलब वो पूरी की पूरी संख्या क्या है, छोटी है, यानी उल्टा होता है। नीचे की संख्या बड़ी तो ये पूरी संख्या क्या होगी, छोटी। तो यहां हम ये कहेंगे कि 3/7 है वो छोटा है और 3/4 है वो बड़ा है, ठीक है। तो एक बात आपके समझ में आ गई होगी, यानी नीचे हर परमाण बड़ा है तो वो संख्या छोटी होगी और हर परमाण छोटा है तो वो संख्या बड़ी होगी, ठीक है। एक नंबर क्लियर। दूसरी कंडीशन में हम देखेंगे जब अंश एस मान, जैसे हमने उदाहरण लिया है दोनों पर भी 4/3 और 7/3 हो गया। इस कंडीशन में क्या था, दोनों नीचे वाली संख्याएं समान है तो ऊपर जो बड़ी संख्या है वो बड़ी और छोटी संख्या है वो छोटी होगी। तो देखो ये 4 छोटी है तो ये संख्या भी क्या होगी, छोटी होगी। ये 7 बड़ा है तो ये संख्या भी बड़ी होगी, ठीक है। यानी ऊपर जो बड़ी संख्या है, नीचे वाली अगर समान है तो ऊपर बड़ी है तो बड़ी संख्या, और नीचे ऊपर छोटी है तो छोटी संख्या कहलाएगी। तो यहां हमने देख लिया ये बड़ी है तो ये 7/3 क्या है, बड़ा है, 4/3 है छोटा है। अब तीसरी जो कंडीशन है वो महत्वपूर्ण है, इसमें हमें क्या करना होता है। तीसरी कंडीशन में जब दोनों ही अलग अलग हो, जैसे तीसरा जो उदाहरण ले लेते हैं 4/3 और 7/5, इस कंडीशन में सबसे पहले अपने को निकालना होता है सबसे पहले लेस है। यहां इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं, पहला ये कि आप लेस निकालिए, सबसे पहले अपने लेस निकालते हैं किसका, हर किसका निकालेंगे, हर का लेस निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्ती 3 और 5 का, जब हमने लघुत्तम समापवर्ती अपने वीडियो में हम देखेंगे कि दोनों को एक साथ ले लेते हैं संख्याओं को, और लघुत्तम समापवर्ती कैसे याद करते हैं वो मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे सबसे पहले दोनों में भाग जाने वाली संख्या क्या है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, कोई सी नहीं है जिसमें दोनों में भाग जाए, तो 3 एकम 3, इसमें भाग नहीं जा रहा तो 5 का 5 आ गया, फिर 5 का 1 और 1 लास्ट में ले लेते हैं और 3 और 5 की गुणा कर देते हैं, और यही आता है लघुत्तम समापवर्ती 3/15। तो ये पूरी डिटेल से हम एक वीडियो अलग से आएगा वैसे और वैसे का, उसमें देखेंगे। यहां हमने देख लिया कि लैसे निकाल लिया दोनों का 15 आ गया। अब इसका पहले हर का हर में भाग लगाएंगे, इस लघुत्तम समापवर्ती में इसका भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 5 15 5 आएगा, उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लिए 5 चौके 20, ठीक है। दूसरा 5 3 15 वही कंडीशन यहां पर लागू होगी, पहले इसका इसमें भाग लगाएंगे तो 15 में 5 का भाग लगाएंगे 3 आया, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 3 7 21 आगे। अब बताओ 21 बड़ा है 20, अब क्योंकि हर तो समान ही हो गया तो 21 बड़ा है, इसका मतलब 7/5 है, इधर वाली संख्या बड़ी है ये भी, तो 7/5 जो है वो क्या है, बड़ा है। तो पहला तरीका तो ये था कि हम इन दोनों का लेस याद कर लेते हैं, और लेस याद करने के बाद लघुत्तम समापवर्ती में हर का भाग देंगे, या मैं लिख देता हूं लेस में सबसे पहले भाग देंगे हर का, उसके बाद जो मान प्राप्त होगा उसको गुणा कर देंगे अंश से और वो यहां पे लिखेंगे, ठीक है। लेस में भाग किया हर का, जो मान प्राप्त हुआ उसका गुणा कर देंगे अंश से, वो यहां पे लिख दिया 20 आया,
इसका भाग दिया पांच तीन पंद्रह तीन आया सात इक्कीस से लिख दिया। अब जो बड़ी संख्या मिली है वही बड़ी होगी, तो इक्कीस बड़ा है तो सात बटा पांच क्या है बड़ा है और चार बटा तीन है छोटा है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा ये दूसरा ये तो सभी में लगेगा अपने पास, जैसे हो सकता है यहाँ आगे वाली संख्या भी दे दे तीन अंक की दे दे जैसे तीन बटा पांच सात बटा चार इस तरह से दे दे, तो सभी के हमने लैस याद करने हैं जितने अंक है चार है पांच है तीन है जितने भी हैं तो सभी के लैस याद करेंगे और फिर उनको इसी क्रम में हल करते जाएंगे और जो बड़ी होगी वो बड़ी और छोटी वो छोटी। ठीक है, तो ऐसे तो हम सभी सवाल जो अभी बताया उस तरीके से तो हम सभी सवाल कर लेंगे, लेकिन जो दो अंक के सवाल थे जैसे हमने पास अपने जो देखा था ये चार बटा तीन और सात बटे पांच है, इसके लिए दूसरा तरीका भी ये आता है कि पहले आप ये गुणा करके लिख दो ऐसे तिरछा करो, चार की पांच के साथ गुणा की तो कितना आया चार पांच बीस, पहले ये गुणा करूंगी यानी पहले का ऊपर दूसरे का नीचे इस तरह से, दूसरी बार लिखेंगे इस तरह से गुणा करके, तो मैं यहां नंबर लगा देता हूं पहला ये दूसरा ये, ठीक है ये हो गया बीस, इसकी गुणा की तो इक्कीस सात इक्कीस आ गया। अब देखो बड़ी कौन सी है इधर वाली संख्या है इधर वाली, तो ये सात बटे पांच क्या आ जाएगी बड़ी। जैसे मैं एक उदाहरण और लेता हूं चार बटे छह सात बटे नौ, अब इन दोनों के अंदर आपको ये कह दे कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो अपने पहले इस तरह से गुणा करें इन दोनों अंकों का, तो नौ चौके छत्तीस ये आ गया, लेकिन ऊपर भी गुणा करनी थी ना, दूसरी भी इसमें सात छके बयालीस, अब बताओ कौन सी बड़ी है बयालीस बड़ी है, इसका मतलब सात बटे नौ क्या है बड़ा है, सात बटे नौ क्या है बड़ा है, हम इस तरह से याद कर लेंगे छोटी और बड़ी। ठीक है, लेकिन तीन अंकों की संख्या में हम इस तरह से हल नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा रहेगा, उसके लिए अपने को जो पहला तरीका बताया था वही हमें करना है, तो बड़ी और छोटी हमने याद कर ली। अब इस तरह से आप देख लेना, अब उसके बाद आता है कि जैसे मान लो तीन अंक की संख्या दे दी, इसके अंदर तो कोई कंडीशन रहेगी इन दोनों के अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तीन अंक की है तो यहां तो हम देखेंगे जो छोटी है नीचे वो हमेशा बड़ी, दो नंबर वाली उससे बड़ी फिर उससे बड़ी वही रहेगा, तो ये दो क्रम तो हम याद कर सकते हैं, जबकि तीसरे के अंदर जब तीन या चार अंकों की जब हमें संख्या दे दे तो हम कैसे याद करेंगे कौन सी बड़ी, या कई बार ऐसे आ जाता है कि आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, आरोही व अवरोही क्रम, तो ये हमारा वीडियो पहले आ चुका है कि ये क्रम क्या है आरोही क्रम चढ़ता अवरोही उतरता, चढ़ते के अंदर हमने पहले छोटी फिर बड़ी बड़ी ये संख्या थी। अब हम प्रिमय संख्याओं को इस क्रम में कैसे लिखे वो देखो, जैसे अपने उदाहरण लेते हैं तीन बटा चार सात बटे पांच तीन बटे सात और एक और लेते हैं दो बटे तीन, ये मैंने चार संख्या लिखी और इसको पूछ लिया कि आरोही और अवरोही क्रम में लिखो, या इसमें पूछ लिया कि इसमें सबसे बड़ी कौन सी है या सबसे छोटी कौन सी है, यहां तो इन चारों संख्याओं में यदि हमें याद करनी है तो सबसे पहला काम वही जो मैंने दूसरा तरीका बताया था, सबसे पहले हर का क्या करेंगे लेस, हर का लेस निकालेंगे, दो नंबर में हमने क्या पढ़ा था लेस याद करने के बाद जो लेस आएगा उसमें भाग देंगे किसका हर का और फिर गुणा करेंगे अंश के साथ और अंक लिखते थे, तो हम पहले लेस याद कर लेते हैं किसका हर का, तो हर अपने पास चार है पांच है सात है और तीन है, ये क्या है ये मिल जाएगा। अब इसका निकालेंगे लेस है तो देखो सबसे पहले छोटी संख्या से दो से भाग किया दो एकम दो, ना इसमें भाग जा रहा ना इसमें भाग जा रहा ना इसमें, दो का किसी में भाग नहीं जा रहा, जिसमें भाग न जाए वो वही हम लिख रहे हैं जो ऊपर है और जिसमें भाग जाए उसमें भाग करके लिख रहे हैं, फिर वापिस दो से करेंगे तो दो एकम दो यहाँ पांच आ गया ये सात आ गया तीन आ गया, फिर तीन से करेंगे तो जिसमें भाग नहीं जा रहा पांच में नहीं जा रहा तो पांच का पांच लिखेंगे, सात में भी नहीं जा रहा तो सात का सात लिखेंगे, लेकिन तीन एकम तीन, उसके बाद पांच से कर लेते हैं क्योंकि चार तो इसमें आएगा एक पांच एकम पांच सात एक सात में भाग नहीं गया तो सात का सात लिख दिया, फिर सात से कर लेते हैं एक 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 क्योंकि हमें लास्ट में क्या लाना चाहिए एक, अब एक सब का गुणा करते हैं वही क्या होगा लेस है, लेस है कितना आया देखें दो गुणा तीन गुणा पांच गुणा सात ये था, अब यहां गुणा करके लिखते हैं दो दूनी चार चार की बारह बारह पंजू साठ और साठ की गुणा सात से की
तो 742 यानी इसकी गुणा 420। तो अब हम इनका लेस है कितना गया 420। एक नंबर काम हमने कर लिया है, लेस से ज्ञात कर लिया है। अब हम दूसरा करते हैं, तो 420 हमने सीधी के नीचे लिख दिया। अब हमें दूसरे नंबर पे काम करना है कि पहले पहली संख्या का लेस है जो हमने निकाला है उसमें हर का भाग दीजिए। तो 420 में 4 का भाग दें तो कितना मान प्राप्त होगा। तो ये देखो मैंने इस लाइन से समझ में आ जाएगा, 4 का भाग देना है तो हमें 4 को छोड़ देना है, बाकी जो संख्या बचेगी वो ही मान है। तो देखो कितना है, 7 × 5 = 35, 3 = 105। तो 42 में चाहे 4 का भाग कर लो 105 ही आएगा, चाहे 4 को छोड़ दो बाकी की ये गुणा है वो कर लो 105। तो 4 का जैसे हमने भाग किया 420 में तो कितना आया 105। इसका मतलब लेस हमें हर का भाग करने पर अपने पास आया 105। अब उसकी गुणा करनी है 80 से, तो 105 की 3 से गुणा करनी है। तो 105 की गुणा 3 से करें तो 5 × 3 = 15, 315 ये मान आ गया 315। ठीक है, अब उसके बाद मैं ये लेसन दो रहा हूं। अब उसके बाद दूसरी संख्या के साथ यही करना है, लेस है यानी जो लघुत्तम समापवर्ती लिया है उसका पहले हर में भाग करें। तो 5 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो देखो 420 में आप अलग से भी लगा सकते हो, 5 × 8 = 40, 2 = 20, 5 × 20 = 20, कितना आया 84। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 5 को छोड़ दो बाकी सबकी गुणा करो, तो आप भाग लगा देना अलग से, तो 84 आया। अब जो 84 मान प्राप्त हुआ उसको आप अंश से गुणा करो। तो देखो मैंने यहां लिखा है अंश से गुणा, तो 7 से गुणा कर देते हैं इसी संख्या का अंश, तो 728, 2 856 और 2 58, ये आ गया 588। दो नंबर हल हो गया। तीन नंबर की बात करें तो पहले इसका इसमें भाग, तो भाग करेंगे 420 के साथ का, तो 7 × 42 = 0 यानी 60 आ गया, और 60 की गुणा करनी है अपने को 3 से, तो 6 × 3 = 18, 180 आ गया, 180 आ गया। अब नंबर 4 की बात करें इसी तरफ में, तो 420 में पहले 3 का भाग, 420 में 3 का भाग लगाएंगे, 3 × 3 = 3, 1 × 12 = 3×12 = 0 यानी 140 आ गया। 140 को 2 से गुणा करेंगे तो 280, 2 से गुणा कर दी 280 आ गया। अब हम यहां देखेंगे कि यदि हमारे पास प्रश्न में ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो यहां देखो सबसे बड़ी है 588, यही है ना, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा कि क्योंकि हमें ये नहीं बतानी कौन सी बड़ी है, हमें तो जो प्रीमियम संख्या दे रखी थी उसमें बतानी है, तो अपने को प्रीमियम संख्या दे रखी थी, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी, 1 2 3 4 ये क्रम है, 1 2 2 नंबर पे 588 है, तो ये होगी सबसे बड़ी। इसी प्रश्न में ये पूछे जाए सबसे बड़ी, तो 5 सबसे बड़ी होगी 7/5। इसी प्रश्न में ये पूछा जाए सबसे छोटी, सबसे बड़ी छोटी का निकाला जाएगा कब, यही रहेगा, तो सबसे छोटी कौन सी है, 180 है सबसे छोटी, इसमें तो 3 नंबर की है, तो इसमें 3 नंबर की क्या है, 3/7, तो सबसे छोटी होगी 3/7। ठीक है, अब अपना जो मेन प्रश्न था कि आरोही और अवरोही क्रम में लिखो, आरोही का मतलब होता है चढ़ते क्रम, चढ़ते का मतलब पहले सबसे छोटी संख्या, तो हमें पता है कि आरोही क्रम जब हम इसका लिखेंगे तो सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमने अभी क्या किया 3/7, फिर उससे बड़ी तो 180 से बड़ा क्या है 280, तो 280 से जोड़ देती ये आगे जोड़ देती, फिर उससे बड़ी तो 280 से और बड़ी 315 है, तो ये लिख देंगे 3/4, फिर सबसे बड़ी तो 588 × 7/5, तो ये एक आरोही क्रम लिख दिया कि इनको प्रीमिय संख्याओं को 3/7, 2/3, 3/4, 7। ठीक है, अब इसी सवाल को उल्टा पूछ लिया जाए अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम में हमें बड़े से शुरू करना है, तो सबसे बड़ी ये 7/5, तो इसको उल्टा कर दे आरोही क्रम को तो वो अवरोही क्रम हो जाएगा, 7/5 फिर 3/4 फिर 2/3 फिर 3/7। तो इस तरह से हम प्रीमियम संख्याओं के अंदर छोटी बड़ी संख्या या आरोही अवरोही क्रम में हम संख्याओं को लिख सकते हैं। अगले वीडियो में अंदर हम प्रीमियम संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा भाग यानी प्रीमियम संख्याओं की संक्रिया के बारे में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो आप इसको आरोही और अवरोही क्रम के सवाल जो प्रीवियस से थे अलग अलग आप देख कर इनको हल करना, करने का तरीका यही रखना कि सबसे पहले आप जितनी भी संख्या में तीन अंक की, चार अंक की, पांच अंक की, यानी तीन या चार, तीन संख्या, चार संख्या या पांच संख्या, उन सब का हर का लैसे निकालना है। लैसे का मतलब समापते जो मैंने अभी बताया था यहाँ पे। उसके बाद जो लैस है उसमें हर का भाग करना है और उसमें फिर अंश का गुणा करते हुए प्रत्येक संख्या लिखनी है और फिर उन्हें छोटी बड़ी संख्या में निकालनी है। ठीक है, तो ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। धन्यवाद।